हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनीता जी के किचन में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा फिर से एक देसी रेसिपी, पुराने जमाने का। अक्सर आप खाए होंगे, जब अपने गांव आते होंगे ना तो दादी बनाती होगी, नानी बनाती होगी इस रेसिपी को। और धीरे धीरे ना, जैसे कि अभी तो गांव में है कि इसको लोग खाते हैं, लेकिन इसका ना मतलब भूलते जा रहे हैं कि इसको कैसे खाना चाहिए कैसे नहीं। तो आप लोगों को पता ही है कि दलहन, कोई सा भी दलहन हो, हमारे हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। ये देखिए, अपना काम पे लगे हैं तो हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चाहे वो अरहर का दाल हो गया, चाहे मसूर का दाल हो गया, चाहे चना दाल हो गया, या मूंग दाल हो गया, कोई सा भी दाल। तो देखिए, आज हम अरहर के पेड़ के पास आए हैं। ये देखिए, तो ये रहा रहर, हमारे गाँव में तो इसको बोलते हैं रहर, लेकिन बहुत से जगह पे इसको अरहर बोला जाता है। तो देखिए, अभी ये कच्चा है, इसमें दाने कैसे तैयार हुए हैं मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। तो देख रहे हैं कितना बड़ा पेड़ है। तो इस पेड़ का पहचान कर लीजिए, देखिए बहुत ही मजबूत पेड़ होता है, मतलब पौधा है, पेड़ नहीं है। लेकिन इसमें खूब सारा दलहन होता है। तो अभी ना कुछ फूल पकड़ा है, कुछ इसमें बेबी अरहर है, ये सब तैयार होगा अरहर, देख रहे हैं। अब कुछ फलियां तैयार हो गया है, तो जो तैयार हुआ है ना उसमें से एक मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। तो ये ब्लैक ब्लैक कलर का भी होता है, हरा हरा कलर का भी होता है, तो हमारे पास भी दोनों कलर का है अरहर। तो देखिए, एक तोड़ लिए, इसका दाना कैसा है मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे हमारा मटर का छेमी होता है ना, मटर का दाना, सेम वैसी दाना है, देख रहे हैं। इसमें तीन पकड़ा है, एक पकड़ा था लेकिन एक कीड़ा खा गया है। ये बड़ा ही मीठा लगता है अभी खाने में, और जब यही पक जाएगा तो दाल, आप लोगों को तो पता ही है दाल कितना फायदेमंद है। और ये हरा है तो इसमें ना दाल से ना 100 गुना ज़्यादा विटामिन्स, और भरपूर है इसमें मात्रा विटामिन्स का, क्योंकि ये हरा है। तो हरा में भी इसको खाया जाता है, हरा में इसका दाल बनता है, हरा में इसका घुघनी बनता है। जब ये हरा रहता है तो इसका चटनी भी बनता है, बहुत से तरीके का चीज़ बनता है। तो आज मैं कौन सा रेसिपी आप लोगों के साथ लेके आई हूँ अरहर का, तो चलिए बनाते हैं। पहले तोड़ते हैं, उसके बाद बनाएंगे ना। इसको खाने पर बड़ा मीठा मीठा लगता है, तो आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए, फिर मैं भी। बहुत ही मीठा। तो ऐसे ही मैं देखूँगी कौन सा तैयार है। और पूरे खेतों में हमारे 8-10 पेड़ है। तो सब जगह से मैं तोड़ लेती हूँ। तो देख रहे हैं दोस्तों, कितना सारा फल पकड़ा है। बेबी धूप खत्म हो गया, चलो घर। हाँ उठ गई है यार, चलो। तो ऐसे ही तोड़ लेती हूँ, देख रहे हैं कितना बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, हम कितना सारा तोड़ लिए हैं, काला पीला सब तरह का है, पीला बोल रही हूँ, काला हरा। इसको तोड़ने से ना हाथ चिप 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 हो जाता है, लासा जैसा हो जाता है। तो ले लिए हैं अरहर, चलते हैं घर और बना के दिखाते हैं आपको एक स्वादिष्ट सी रेसिपी। तो दोस्तों थक गई, खेत जब सिंचाई करते हैं ना तो जैसे पैर और ना फिसलने लगता है वहाँ पे, हैं, तो ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ देखिए, खेत से लेके आ गए हैं, अब इसको ना धो लेंगे।
तो बहुत ज़्यादा मैं लेके आई हूँ, तो देख रहे हैं। तो आधा का मैं कुछ और बनाऊंगी आप लोगों के लिए, और आधा का एक रेसिपी आपको बना के दिखाती हूँ। आज इतवार हनू, अच्छा से देख रहे हैं, धो ले रहे हैं। तो धो के एक स्ट्रेनर में इसको छान लेते हैं। हाँ रुकिए, खा के जाइएगा बाजार। कढ़ाई रख लेते हैं, इसमें एक लोटा पानी डाल लिए हैं। अब इसको ढक्कन से ढक के और बॉईल करेंगे। तो दोस्तों जल ही नहीं रहा, झुका नहीं जा रहा कमर से, तो इसीलिए चला लेती हूँ माचिस से। वैसे आग था इसमें थोड़ा, दिन में खाना बनाए थे ना हम, साग बनाए थे लाला जी। देखते हैं कितना बढ़िया उबल रहा है, ये देखिए मस्त उबल रहा है। तो एक बार ना हम क्या करेंगे, इस तरीके से करछी से ना चला देंगे, इतना जबरदस्त इसका देख रहे हैं पानी का कलर चेंज हो गया है। ये देखिए इसमें कसैलापन होता है। तो 15 से 20 मिनट लगेगा। जैसे ये वाला काम ना पुराने जमाने में क्या होता था कि जैसे कि हमारी शादी हुई थी तब की बात बता रही हूँ, खाना वाना जैसे बन गया रात का खाना बनने के बाद जैसे कि आँच बचा हुआ है तो थोड़ा सा ना आँच लगा देंगे, जैसे 8-10 मिनट उसको आँच लगा दिए, अब बाकी पूरे रात के लिए चूल्हे पे ही छोड़ देंगे कि उसके जो चूल्हे में के अंदर जो आग रहता है ना उसी के गर्माहट से बढ़िया से उबल जाएगा। और उसके बाद उसके बिहान भैला, यानी बिहान भैला मतलब कि उसके सुबह में खाने पे इतना मज़ा आता था ये कि आपको मैं दिखाती हूँ कैसे खाते थे हम लोग, और आज भी गाँव में खाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम अच्छे से उबाल लिए हैं, तो इतना बढ़िया उबल गया है, देख रहे हैं कितना बढ़िया। 15 से 20 मिनट का समय लगता है उबल जाता है, आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं, दबने लगता है ये है। तो इसको ना ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, चूल्हे से उतारते हैं। तो जब ये ठंडा हो जाता है ना दोस्तों, तो आज तो नहीं इसको कल सुबह सुबह हम लोग खाया करते हैं, तो बड़ा मजा आता है, एकदम मीठा मीठा लगता है। तो अभी भी आप खा सकते हैं, जैसे कि उबल गया है ठंडा हो गया, तो इसको जैसे हम लोग मटर का छेमी खाते हैं ना सेम, इसको भी छोड़ा छोड़ा के और खाएंगे, बड़ा मज़ा आता है। और इसको नमक मिर्चा के साथ भी खाया जाता है और ऐसे भी खाया जाता है। तो सुबह के पहर खाऊंगी। तो ये अरहर का इतना आसान रेसिपी है दोस्तों कि मतलब बिना तेल का बिना झंझट के, और ये इतना हेल्दी कि आप इसे लगातार ना खा रहे हैं एक मंथ, जैसे हफ्ता में एक बार खा रहे हैं, इसका सेवन से आपका हेल्थ तो अच्छा रहेगा ही, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी शरीर में। जैसे लोग बोलते हैं नहीं है कि मेरा इम्यूनिटी डाउन हो गया तो मेरा ये हो गया, इससे नहीं होता है। गाँव में पहले जमाने में खाते थे सभी लोग, आज भी कोई कोई खा रहा है कोई कोई नहीं खा रहा है गांव में। गांव में भी लोग मतलब समय का पाबंदी हो गया है, लोगों के पास काम काज है, लेकिन पहले के जमाने से खाया जा रहा है तो आज भी कुछ लोग खाते हैं और खाना चाहिए। वैसे मैं आपको दिखाती हूँ खा के, इतना मजा आता है, इतना मीठा लगता है। ये हेल्दी डिश सिंपल सा है, बहुत टेस्टी, इसका स्वाद आप ले लीजिएगा ना एक बार तो बार बार खाइएगा, मतलब इतना लक्की मीठा है ये कि मैं क्या बताऊं। इसमें बहुत से लोग नमक वक लगा के खाते हैं, तो जितना मीठा अभी लग रहा ना
इसका डबल मीठा ये सुबह में लगेगा, जब ठंडा हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, तब ये ठंडा होने के बाद एकदम दूध जैसे मीठा लगेगा। तो ये हम लोग बहुत खाते थे, जैसे धूप निकलेगा सर्दियों के दिन में, खाना ना खा लिए और बैठ के इसको छुटा छुटा के खा रहे हैं और धूप सेक रहे हैं। ये सब लाइफ दोस्तों लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि आज भी लोग इसे जाने और खाएं। तो कैसा लगा ये हमारा सिंपल सा रेसिपी आप लोग बताइएगा। और एक बार अगर आपको मिल रहा है, कभी गांव आ रहे हैं, कहीं मिल रहा है बाजार में भी, इसको खरीद के इस तरीके से बना के जरूर खाइएगा। फिर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपका ये बनाया हुआ सिंपल सा डिश कैसा लगा। इसके आगे सब कुछ फेल है। तो वैसे भी दोस्तों आज शाम हो गया है, कल सुबह हमारे बच्चे भी खाएंगे, एंजॉय करेंगे। मैं अभी कैमरामैन यानी कि हमारे जो बेटा है लक्की, उनको भी देती हूँ छोड़ा के, और वो बताएंगे कि हाँ मम्मी कैसा लगा स्वाद। कई बार मैं खिलाई भी हूँ, पिछले साल खिलाई थी, उसके पिछले साल भी खिलाई थी। तो देखिए इतना सारा छुटाई हूँ लक्की के लिए, ये खा के बताएंगे कैसा टेस्ट है। तो यहाँ पे मम्मी ने मुझे दिया है, अब इसको वाइट टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये बॉयल है ना, बॉयल बीन्स खाते हैं ना हम लोग सब्जी के साथ, वैसे ही है भाई। बीन्स कड़वा लगता है थोड़ा। बीन्स को पूरा बॉईल कर दो ना डंडी के साथ, तो वो भी अच्छा लगता है। बाकी भाई ये भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, नमक वमक डाल देंगे, मिर्च उर्ची डाल देंगे थोड़ा और अच्छा लगेगा। हाँ मम्मी नमक वमक डाल देंगे, मिर्ची डाल देंगे तो और अच्छा लगेगा। हाँ आपकी मर्जी, आप कैसे भी खाओ। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ एक ऐसी देसी रेसिपी के साथ, आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये रेसिपी, और आप कब खाए थे, कहाँ खाए थे कमेंट में बताइएगा, और कौन से जिला में खाए थे इसे ये भी बताइएगा।